हमें को आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, थोड़ी हल्की आ रही है। अच्छा, एक मिनट, मैं फैन ऑफ कर देती हूँ। और लाइट्स नजर आ रही है? यस मैम। अच्छा, पिछली दफा हमने जीआईटी से रिलेटेड ड्रग्स पढ़ी थी थोड़ी सी। और जीआईटी के ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो नोजिया, वॉमिटिंग, जी आई एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाए तो स्टमक के अंदर एसिडिटी हो जाती है, और उसके अलावा इसके अंदर डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। अब ये सारी वो ड्रग्स हैं जो कि इनके ट्रीटमेंट के लिए, इन प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। पिछली दफा हमने जी आई टी की एक्सक्रीशन की ड्रग पढ़ी थी। अच्छा, आप लोग को लेक्चर्स मेरे ख्याल में मैंने मेल किए कि नहीं पहुंचे? मैम नहीं, हमारे सेक्शन को नहीं किया आपने। अच्छा, मैंने आपको मेल की थी। मेरे ख्याल में मैंने फिर ई बैच वालों को कर दिए। आज ना मैं आज यस ही मैम। आपको मेल कर दूंगी, ठीक है? और ये है कि एक स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने, आपका नाम क्या है? महानूर रहमान। ठीक है महानूर, आप ऐसा करना मैं आपसे शेयर करूंगी, आपके ग्रुप में शेयर कर देना। ओके मैम। अच्छा, ये ड्रग्स है जो, ये थोड़ा सा मैं पिछला समराइज कर दूं। ड्रग्स अफेक्टिंग द जी आई सिक्रीशंस, लेक्सेटिव्स वो ड्रग्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन के बाद दी जाती है, जब कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो लेक्सेटिव ड्रग्स दी जाती है। उसके अलावा एंटी डायरियल ड्रग्स हैं जो डायरिया हो जाए तो देते हैं, इमेटिक्स एंड एंटी इमेटिक्स ड्रग्स। अच्छा, एंटी इमेटिक्स ड्रग्स तो वो है कि जैसे कीमोथेरेपी है, किसी भी वजह से वॉमिटिंग नोजिया हो जाए तो एंटी इमेटिक ड्रग्स दे देते हैं। इमेटिक ड्रग्स वो होती है कि अगर कोई ड्रग बहुत ज्यादा उसकी डोज ले ली है, टॉक्सिक वो हो गई है, तो आप उसमें इमेटिक ड्रग्स देंगे, या फिर कोई पॉइजन ले ली है ताकि वो निकल जाए वॉमिट होकर। ये चार तरह की ड्रग्स हैं जो जी आई के अंदर आती है। इसमें सारे ड्रग्स अफेक्टिंग जी आई सेक्रीशंस हमने थोड़ी सी देखी थी उस दिन। इसके अंदर मैंने आपको बताई थी एक हिस्टामिन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट्स, या उनको ब्लॉकर्स कहते हैं। हिस्टामिन बेसिकली क्या होता है कि हिस्टामिन जो स्टमक है उसके पेराइटल सेल्स जो हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर्स। तो हिस्टामिन जो है अपने रिसेप्टर्स के साथ जाकर बाइंड कर जाता है और HCL की प्रोडक्शन को हेल्प करता है, फिर उसके रिजल्ट में HCL की प्रोडक्शन होती है। तो ये ड्रग्स जो है हिस्टामिन को उसके रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देती। पहले यही पढ़ा देती हूँ। These drugs block the release of hydrochloric acid in the stomach in response to gastrin. अच्छा, stomach के अंदर G cells थे, G cells और G for gastrin. तो G cells जो थे, G cells जो है वो gastrin release करते हैं। अब ऐसा होता है कि HCL जो है ना, gastrin जो है वो भी HCL की production को encourage करता है। तो ये ड्रग्स ऐसी हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ब्लॉक करेंगी, हिस्टामिन को प्रिवेंट करेंगी, बाइंड नहीं होने देंगी हिस्टामिन को, गैस्ट्रीन का जो रिलीज है उसको भी खत्म करेंगी। ड्रग्स अफेक्टिंग जीआई सेक्रीशन एंड एसिड्स, एंड एसिड्स वो ड्रग थी जो एंड एसिड्स वो ड्रग्स थी जो न्यूट्रलाइज कर रही थी अफेक्ट को। जो अगर एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया स्टमक के अंदर, स्टमक एक्चुअली हमें एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होती है फूड ब्रेक डाउन के लिए, फूड डाइजेशन के लिए, लेकिन अगर एसिडिक इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाए तो उसके लिए फिर हम ड्रग्स यूज करते हैं एसिडिटी को खत्म करने के लिए। तो एंड एसिड्स वो ड्रग्स हैं कि सिक्रीशंस को तो रोक नहीं सकती, एसिड रिलीज होता रहता है, HCL बनता रहता है, लेकिन ये उसको न्यूट्रलाइज करती रहती है, ये वो ड्रग्स हैं।
हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स वो ड्रग्स थी जो कि हिस्टामिन की बाइंडिंग नहीं होने दे रही, और एंट एसिड्स वो ड्रग है जो न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट है उसका। इसमें यूजली वीक बेसिस आ जाते हैं जो एसिड के साथ मिलकर उनको न्यूट्रलाइज कर देती है, सॉल्ट और वाटर बनाती है, या फिर थोड़े से सॉल्ट्स होते हैं जैसे इसके अंदर आ जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे इसके अंदर आते हैं। अच्छा पहले थोड़ा थोड़ा ना सबकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। इसमें पहली ड्रग पड़ी हिस्टामिन ब्लॉकर्स, दूसरी इसके अंदर पड़ी एंट एसिड्स, तीसरी इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं जो स्टमक है उसके मेम्ब्रेन के ऊपर पंप है, उनको हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। उन पंप्स का ये फंक्शन है कि वो एच पॉजिटिव आइंस को स्टमक के अंदर उसके ल्यूमेन में स्क्रीट करेंगे, स्टमक के अंदर पंप करेंगे, और पोटेशियम को मूव आउट करेंगे, एक्सचेंज होगा आइंस का। अब जब वो हाइड्रोनियम आइंस एच पॉजिटिव आइंस प्रोटॉन्स अंदर गए हैं तो वो HCl के साथ बाइंड कर HCl नेगेटिव के साथ क्लोराइड आइंस के साथ बाइंड करके HCl बना देंगे। तो जो ड्रग्स हम दे रहे हैं वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, यानी उन्हें इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे, उनके फंक्शन को कोशिश करते हैं कि रुक जाए, पंप ना करे प्रोटॉन्स को। स्टिमुलेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज दैट फॉस्फोरिलेट एच पॉजिटिव पोटेशियम पॉजिटिव ATPase, प्रोटॉन पंप ATPase, ATP चाहिए होगा उनको ये सब करने के लिए। अच्छा फिर उसके बाद म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट्स चौथी ड्रग थी। म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट्स म्यूकोजा को, स्टमक की म्यूकोजा को कोटिंग कर लेंगे उसकी, ताकि जो जगह इंजर्ड हो चुकी है, अल्सर जहाँ बन चुका है उसकी हीलिंग हो जाए और जहाँ मजीद डैमेज ना हो। और ये आखिरी ड्रग थी प्रोस्टाग्लैंडीन्स। प्रोस्टाग्लैंडीन्स एनालॉग्स जो थे ये इनहिबिट करते हैं सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन को, इनकरेज करते हैं म्यूकोजा को, म्यूकस लाइनिंग ऑफ द स्टमक जो है उसे कहते हैं कि म्यूकोजा रिलीज हो ताकि वहाँ एसिडिटी कम हो, एक्टिवेट करते हैं एक्टिवेट इनहिबिटरी प्रोटीन्स दैट ब्लॉक हिस्टामिन एक्टिवेशन ऑफ एडेनिलेट साइक्लेज। एडेनिलेट साइक्लेज के पाथवे के थ्रू हिस्टामिन बन रहा होता है उसको ये इनएक्टिवेट कर देगा, ऐसी प्रोटीन्स हैं ये। अच्छा जैसे सिमिटाडीन, अब इन सब में जो है ना TIDINE ये आखिर में लग जाएगा, रेनिटाडीन, फेमोटाडीन और निजाटाडीन। H2 ब्लॉकर्स आर एंटागोनिस्ट एट द रिसेप्टर्स इन द पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक, वही ब्लॉकेज करेंगे ये गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज में जो कि HCl प्रोडक्शन करता है। There will be decreased production of gastric acids from the parietal cells. HCl की production कम हो जाएगी। उसके अलावा pepsinogen inactive form में pepsin बनता ही है। ये pepsin भी HCl को encourage कर रहा था। तो ये pepsin की secretion भी कम करने की कोशिश करेंगे H2 blockers। ये सारे clinical uses हैं कि stomach ulcers, gastric ulcers हो गए, duodenal ulcers हो गए उनके अंदर देंगे, Zollinger-Ellison syndrome इसके अंदर जो है वो हाइपर सिक्रीशन हो जाती है एसिड से, एसिड ट्यूमर्स बन जाते हैं जो HCl प्रोडक्शन ज्यादा कर देते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी ये ड्रग यूज करेंगे H2 ब्लॉकर्स। स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर्स के जिन स्ट्रेस जो बेसिकली एसिडिटी स्टमक के अंदर क्यों इंक्रीज होती है, स्ट्रेस एक फैक्टर है जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट वहां पर क्रिएट कर देता है। उसके अलावा अगर अल्कोहल कंजम्पशन है, स्मोकिंग है, ये सारे हैं। तो जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर्स हैं और गैस्ट्रिक कोई ब्लीडिंग हो रही है, कोई अल्सर्स हैं, उनको ये उनके लिए थेरापीटिक इसका यूज है कि वहां पर हम यूज करेंगे क्लिनिकली इन जगहों पर यूज करेंगे H2 ब्लॉकर्स को। H2 ब्लॉकर्स का क्या फंक्शन था किसी को याद है? वो नाम से ही पता चला कि हिस्टामिन को उसके रिसेप्टर तक नहीं जाने दे रहे, ब्लॉक कर रहे।
ट्रीटमेंट ऑफ एरोसिव गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीजेस, रिलीफ ऑफ सिम्टम्स ऑफ हार्ट बर्न एंड एसिड इनडाइजेशन. अभी तक कोई क्वेश्चन? नो मैम. अच्छा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन किन कंडीशन में एच टू ब्लॉकर्स नहीं देंगे? हर जो भी ड्रग है ना, उसका अगर आपको नोन है कि पेशेंट जो है ये इस ड्रग से एलर्जी है, तो वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी वो ड्रग. आपको वो ड्रग नहीं देनी एलर्जी जिस पे, क्योंकि अगर आप ड्रग दे रहे हैं तो बॉडी जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है, उसको फॉरेन सब्सटेंस लेकर उसके साथ बाइंड करेगी, रिएक्शन करेगी. तो जो भी ड्रग है, अगर पेशेंट एलर्जिक है और नॉन एलर्जिक है, वो बता देता है, हिस्ट्री दे देता है कि मुझे इससे एलर्जी है या ऐसा कंपोनेंट उसमें ऐसा डाला हुआ है ड्रग में, तो आपने वो ड्रग नहीं देनी. कंडीशन सच एज प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, रेनल डिसफंक्शन, हिपेटिक डिसफंक्शन शुड वार्न पेशेंट्स यूज. Nizatidine can be used in hepatic dysfunction. ये जो इसका पाथ जो है ना लिवर के थ्रू, इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं है, तो हिपेटिक डिसफंक्शन में सिर्फ ये एक वाहन ड्रग है Nizatidine जो दे सकते हैं, बाकी सारी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है. हिपेटिक डिसफंक्शन जिस पेशेंट में, उसको नहीं देते. अच्छा, साइड इफेक्ट इसके क्या है? डायरिया पॉजिटिव पेशेंट करेगा, डिजीनेस, ड्राउजीनेस. डिजीनेस होती है आप अनस्टेबल है, वर्टिगो, चक्कर आ रहे हैं. ड्राउजीनेस होता है कि आपका स्लीपिंग साइकिल, यानी आप सुबह के टाइम भी सो रहे होते हैं इसमें, ड्राउजीनेस में. कंफ्यूजन है, हेलोसिनेशंस है कि जो चीज़ है ही नहीं, आपको लग रहा है कि वो है. कार्डिक एरिथमिया, हाइपोटेंशन. हाइपोटेंशन इसलिए करेंगे कि एच टू रिसेप्टर ब्लॉकेज इन द हार्ट, ब्लॉक रिसेप्टर्स उनको ब्लॉक कर देगा हार्ट के ऊपर. अच्छा, उसके अलावा गायनेकोमेस्टिया एंड इम्पोटेंसी कर देता है मेल्स के अंदर. ये सारी याद रखने वाली चीजें, इनका मैकेनिज्म, इनका साइड इफेक्ट्स, एक आधी एग्जांपल दो. आप लोग कोई बुक फॉलो कर रहे हैं? मैम, ये गायनेकोमेस्टिया क्या होता है? इसमें ना मेल्स के अंदर एनलार्ज ब्रेस्ट हो जाती है. ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं, बस याद रखने हैं कि सीएनएस में क्या इफेक्ट है, जीआईटी में क्या इफेक्ट है, कार्डियो क्या है, और फिर एक खास मेटाडीन का ये इफेक्ट है. नंबर ऑफ स्पर्म्स कम कर देता है और मेल्स के अंदर गायनेकोमेस्टिया कर देता है. ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, सिमेटाडीन, फेमोटाडीन, लैनिटाडीन आर मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर. इसलिए हेपेटिक डिसफंक्शन जिन पेशेंट्स में है उनमें ये नहीं देंगे. अच्छा, दे कैन कॉज स्लोइंग ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अदर ड्रग्स, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे उनका. ये सारी ड्रग्स हैं, एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स, फिनोटाइन, अल्कोहल, एंटी डिप्रेसेंट्स, ये सारी वो ड्रग्स हैं कि इनके साथ इंटरेक्ट करेंगी और इनका स्लो डाउन कर देगी, इनका इनकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे बॉडी में. अच्छा, एंट एसिड मैंने बताया था ओटीसी ड्रग है, ओवर द काउंटर, यानी कि ऐसी ड्रग्स जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं, आप जाओगे मेडिकल स्टोर से आपको वैसे मिल जाती है. इसमें एल्यूमिनियम सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स हैं, कार्बोनेट, मैग्नीशियम सॉल्ट्स, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मेगल्ड्रेट. एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम दोनों कॉम्बिनेशन में देते हैं. अच्छा, इसकी दो टाइप्स है, सिस्टेमिक जो ब्लड में जाएगी, एल्कालोसिस करेगी यानी एल्कालाइड एनवायरनमेंट कर देगी ब्लड के अंदर. इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है. और दूसरा नॉन सिस्टेमिक है जिसका लोकल फंक्शन होगा, एब्जॉर्ब करेगा पेप्सिन एंड रिमूव इट फ्रॉम द सॉल्यूशन एट पीएच मोर देन 3. अच्छा, ये जो एंट एसिड्स होते हैं ना, इनका फंक्शन जो है ना जीईटी, जीईटी मतलब ये गैस्ट्रिक एम्पिटिंग पर टाइम पर डिपेंड करता है. अगर फूड रहेगा आपके जीआईटी में, अगर फूड है स्टमक में स्टोर है, अगर स्टमक में स्टोर है तो ये उतने ज्यादा अच्छा इफेक्ट करेगा एंट एसिड्स. अगर स्टमक एम्पिटी है तो फिर इतना अच्छा अपना काम नहीं कर सकेगा. ये क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं स्टमक को और ज्यादा ज्यादा कोशिश करते हैं कि फूड डिले हो, स्टमक में रहे फूड.
स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इनहेंसिंग म्यूकोसल बैरियर टू एसिड्स. वो म्यूकस सिक्रीशन जो है उसको कहेंगे कि म्यूकोसा जो है स्टमक का जो नियर म्यूकोसा नियर है वो म्यूकस सिक्रीट करती है. इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डायरिया कॉज करता है और ये दो इसके कैल्शियम कार्बोनेट जो है रिबाउंड एसिडोसिस कर देता है. कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली अल्कलाइन एनवायरनमेंट करता है लेकिन अगर इसको इस ड्रग को आप स्टॉप कर देंगे तो दोबारा से वही सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे और हाइपर एसिडिटी फिर से हो जाएगी. ये वही बताया कि एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करता है एंड एसिड्स जो है और ये गैस्ट्रिक एसिडिटी सिक्रीशंस को अफेक्ट नहीं करते. गैस्ट्रिक एसिड उसी तरह एसिड रिलीज हो रहा है एचसीएल बनता रहता है सिर्फ ये उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं. अच्छा एसिड रिबाउंड कॉज करता है. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंट एसिड मे कॉज एन एसिड रिबाउंड. ये लिखा हुआ एसिड रिबाउंड है क्या. न्यूट्रलाइजिंग द स्टमक कॉन्टेंट टू एन अल्कलाइन लेवल स्टिमुलेट गैस्ट्रीन प्रोडक्शन टू कॉज एन इंक्रीज इन एसिड प्रोडक्शन. यानी कि जो एंट एसिड है जब वो न्यूट्रलाइज कर रहा होता है एसिड को तो कुछ सेल्स जो है वो और कोशिश करते हैं स्टमक के गैस्ट्रीन की प्रोडक्शन हो एचसीएल ज्यादा बने. एक तरफ वो न्यूट्रलाइज कर रहा होता है एंट एसिड दूसरी तरफ जो स्टमक है वो कोशिश कर रहा होता है उसके सेल्स से नहीं जी एसिडिक एनवायरमेंट ज्यादा रहे. तो इसके क्या होता है फिर कि स्टमक जब एसिडिक एनवायरमेंट वो एसिडिक स्टेट वहां पर ज्यादा आ जाती है और फिर आप अगर ड्रग को स्टॉप कर देंगे तो वही एसिडिक सिम्टम्स ज्यादा हो जाते हैं वही दोबारा उन्हीं सिम्टम्स दोबारा शुरू हो जाते हैं वही पेशेंट को. थेराप्यूटिक इंडिकेशन सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ अपसेट स्टमक एसोसिएटेड विद हाइपर एसिडिटी पेप्टिक अल्सर गैस्ट्राइटिस एसोफेजाइटिस एंड हिएटल हर्निया इन सब में यूज हो रही है. कोई क्वेश्चन है मैम. अल्कलाइन लेवल जो है वो एसिड को भी इंक्रीज कर देंगे क्या. चीज अल्कलाइन लेवल जो एंटीसिड्स के हैं वो एसिड को भी इंक्रीज कर देंगे. एंड इससे ऊपर था ऐसे एसिड को इंक्रीज नहीं करेंगे. न्यूट्रलाइज जो एंट एसिड है ना वो तो अपना काम कर रहा है कि न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है. जो एसिडिक एनवायरनमेंट थी ये वीक बेसिस होती है ना या सॉल्ट से होते हैं. आप इनको ये कोशिश करें कि न्यूट्रलाइज हो जाए. ठीक है जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है लेकिन जी मैम ये लिखा हुआ है ना कि इनको इंक्रीज भी करते हैं एसिड्स को जब एल्कलाइन लेवल आता है तो अगर आप स्टॉप कर देंगे या ये होता है कि कभी कभी स्टमक के जो सेल्स है ना वो और ज्यादा एसिड रिलीज करना शुरू कर देते हैं इसलिए हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दे सकते हैं ज्यादा टाइम के लिए दे भी नहीं सकते. न्यूट्रलाइजिंग द स्टमक कंटेंट टू एन अल्कलाइन लेवल स्टिमुलेट गैस्ट्रीन प्रोडक्शन टू कॉज एन इंक्रीज इन एसिड प्रोडक्शन एंड रिटर्न द स्टमक टू इट्स नॉर्मल एसिड स्टेट. हाँ जब हम ये न्यूट्रलाइज करेंगे तो स्टमक कोशिश करेगा कि नहीं और एसिड बने. अब वो इतना ज्यादा न्यूट्रलाइज नहीं करेगा तो क्या होगा कि एसिडिक एनवायरनमेंट फिर से बन जाएगी और फिर से वही पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे. ठीक है. यस मैम. तो ये जैसे अब कुछ होते हैं ना जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का भी कहीं था कि ये भी जब कोशिश करते हैं कि प्रोटॉन्स ना रिलीज हो इनहिबिट कर देते हैं पंप को तो फिर क्या होता है कि वहां पर जो सेल्स होते हैं ना स्टमक के वो कोशिश कर रहे होते हैं कि नहीं एसिडिक एनवायरनमेंट है तो फिर इस उसमें कभी कभी होता है कि एसिडिक एनवायरनमेंट इन रिटर्न दोबारा ज्यादा हो जाती है या तो ये कॉज हो जाएगा कि आपने ड्रग छोड़ दी वो तो ऑब्वियसली एसिडिक एनवायरनमेंट फिर से दोबारा वही शुरू हो जाएगा या फिर ये कि आप ड्रग दे रहे हैं लेकिन अब ड्रग जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रही. अच्छा एंड एसिड जो इनको हम कंबाइंड देते हैं जैसे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दे रहे थे. ठीक है एल्यूमिनियम सॉल्ट जो एल्यूमिनियम सॉल्ट हैं ये डायरिया कर देते हैं और मैग्नीशियम सॉल्ट कॉन्स्टिपेशन कर देते हैं. तो जब हम इन कम्बिनेशन देंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे एंटागोनाइज कर देंगे. ठीक है कॉन्टिन्यूस एक एक्शन आपको मिल जाएगा. डोज ऑफ ईच कंपोनेंट जो है वो फिर आपको थोड़ी थोड़ी देनी पड़ेगी. ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड
कैल्शियम कार्बोनेट, इनके ऑनसेट, फास्ट ऑनसेट, लॉन्ग ड्यूरेशन, ये सारा वो दिया हुआ है। अच्छा एंट एसिड जो है वो ओरली देते हैं, और जो है ये क्या होता है लोकली स्टमक के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। ये इफेक्ट से इनके सारे जीआईटी में रिबाउंड एसिडिटी करेगा, ब्लड के अंदर अगर है तो एल्कालोसिस कर सकता है, कैल्शियम जो है वो हाइपर कैल्सीमिया कर सकता है, मिल्क अल्कलाइज सिंड्रोम जिसमें कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाते हैं, यूरिन आउटपुट ज्यादा हो जाती है, कैल्शियम लेवल्स ब्लड में इसमें ज्यादा हो जाते हैं, मैग्नीशियम में ये डायरिया कर देगा, एल्यूमिनियम जो है ये कॉन्स्टिपेशन करेगा, उसके अलावा अच्छा एल्यूमिनियम जो है ना हाइपर फॉस्फेटीमिया जब हो, यानी फॉस्फेट का लेवल ब्लड में ज्यादा हो तो हम ये दे देंगे एल्यूमिनियम सॉल्ट्स। ये क्या करते हैं एल्यूमिनियम सॉल्ट फॉस्फेट के साथ जाकर बाइंड कर देंगे, वहां पर जो फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है उसे कम कर देंगे। तो लेकिन ये होता है कि एल्यूमिनियम जो है ना ये किडनी में, अगर जो किडनी का पेशेंट है तो रेनल फेलियर है तो वह एल्यूमिनियम बिल्डअप होना शुरू हो जाता है किडनी में, तो समटाइम्स हम एल्यूमिनियम और कैल्शियम सॉल्ट दोनों इकट्ठे देते हैं ताकि एल्यूमिनियम को ज्यादा क्वान्टिटी में ना देना पड़े। फ्लूड रिटेंशन ड्यू टू हाई सोडियम कंटेंट, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी है जो एल्कालोसिस करता है, और उसके अलावा इसमें सोडियम जो है उसका हाइपर जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनको ये सोडियम सॉल्ट नहीं देते, और दूसरा सोडियम जो है फ्लूड रिटेंशन करेगा। अब तक कुछ ना समझ आए हो? हम आगे समझ, ये एक्चुअली सारी चीजें ना याद करने वाली हैं, जैसे मैग्नीशियम का क्या इफेक्ट है, एल्यूमिनियम सॉल्ट का क्या इफेक्ट है। अच्छा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो कि प्रोटॉन पंप्स को रोक रहे थे कि प्रोटॉन अंदर ना फेंके स्टमक के अंदर, उसके ल्यूमेन में इनहिबिट करें प्रोटॉन्स को, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। इसमें ओमेप्राजोल, लेनिसोप्राजोल, एसोमेप्राजोल और पेंटोप्राजोल, ये सारी प्राजोल ड्रग्स हैं। इसमें सबसे मेजर इसे मेटाडीन, ये सॉरी ये ओमेप्राजोल है। अच्छा इसका एक्शन वही है कि दे एक्ट एट अ स्पेसिफिक सिक्रेटरी सरफेस रिसेप्टर्स टू प्रिवेंट द फाइनल स्टेप ऑफ एसिड प्रोडक्शन एंड दस डिक्रीज द लेवल ऑफ एसिड इन द स्टमक। द पंप इन द पैराइटल सेल्स, स्टमक के जो पैराइटल सेल्स होते हैं उनके ऊपर ये पंप होता है, ठीक है। इज द प्रोटॉन पोटेशियम एटीपेज एंजाइम सिस्टम ऑन द सिक्रेटरी सरफेस ऑफ द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स। अच्छा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है जैसे ओमेप्राजोल है, ये हम ट्रिपल थेरेपी देते हैं, तीन ड्रग्स मिला के देते हैं अगर किसी पेशेंट के अंदर पेप्टिक अल्सर है। और याद रखें कि जो एसिडिक एनवायरनमेंट होगी स्टमक के अंदर वहां पर एच पिलोराय बैक्टीरिया जो होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो वहां पर जो है वो कॉलोनाइज हो जाएगा वहां पर और मजीद उसको बढ़ाएगा, इन्फेक्शन करेगा। अब हमने ट्रिपल थेरेपी देनी है, ओमेप्राजोल दे रहे हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन देनी है और क्लेरिथ्रोमाइसिन के साथ या एमोक्सिसिलिन दे दें या फिर मेट्रोनिडाजोल दे दें। इसको ट्रिपल थेरेपी इसलिए करें कि तीन ड्रग्स यूज हो रही है, ओमेप्राजोल, क्लेरिथ्रोमाइसिन या फिर एमोक्सिसिलिन देंगे या मेट्रोनिडाजोल देंगे, दोनों में से एक ड्रग दे देंगे साथ इसके। समझ आ गई है ट्रिपल थेरेपी? यस मैम। तीन ड्रग्स यूज हो रही है। क्लिनिकल यूजेस सारे ऑलमोस्ट सेम है, जो हीलिंग अगर कहीं चाहिए, कोई एरोसिव डिसऑर्डर है, एरोसिव डिसऑर्डर हीलिंग कर देगा, उसके अलावा अल्सर्स, ड्यूडिनल अल्सर्स, बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर्स उनमें, और अगर नॉन एलर्जी है पेशेंट को पता है कि जी इस चीज से एलर्जी है तो ये नहीं देनी ड्रग, और प्रेगनेंसी में भी ये प्रिकॉशन देनी है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ये सारे इसके वो ऑलमोस्ट ना मिलते जुलते हैं सबके। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है ड्राई माउथ करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिजीनेस, हेडेक कर रहा था, एस्थीनिया, ये डिजीनेस हेडेक तो वो पिछली वालों में भी था, एस्थीनिया होता है लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ, वर्टिगो, इंसोमनिया, एपैथी, एपैथी होता है कि वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट हर चीज से, इमोशन लेस हो जाता है बिल्कुल,
पेशेंट जो है जीआईटी के अंदर डायरिया, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, ड्राई माउथ, ट्रंक एट्रोफी. ट्रंक एट्रोफी यानी फिनिफॉर्म पेपिलाई होते हैं ट्रंक के ऊपर, वो कम हो जाएंगे. पता है ट्रंक के ऊपर कुछ आइडिया है? फंजी फॉर्म पेपिला और फिनिफॉर्म पेपिलाई होते हैं. यस मैम. वो कम हो जाते हैं इसमें. रेस्पिरेटरी कफ, स्टफ नोज, हॉर्सिनेस यानी चेंज इन वॉइस हो जाएगा. एपिस्टैक्सिस हो जाएगी, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज होती है एपिस्टैक्सिस. ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट हैं. अब म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट्स ये क्या करेंगे कि कोटिंग करते हैं. दिस इज गिवन टू प्रोटेक्ट द इरोडेड अल्सर साइट्स इन द जीआईटी फ्रॉम फर्दर डैमेज बाय एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स. इसकी एग्जांपल जो है वो सैक्रल फेट है. इसका एक्शन ये है कि ये जाकर इट फॉर्म्स एन अल्सर एडहेरेंट कॉम्प्लेक्स एट ड्यूडिनल अल्सर साइट्स protecting the sites against acid, pepsin and bile. Acid, pepsin और bile जो stomach में आ जाता है, bile जो gall bladder में store होता है वो stomach के अंदर आ जाए, या duodenal ulcer, ये ulcers में जो जाकर bind कर जाती है ताकि protect कर दे इनको sites को against acid, pepsin and bile. This action prevent further breakdown of protein in the area and promote healing. ये हीलिंग को प्रमोट करेगा. क्लिनिकल यूजेस इनके ऑलमोस्ट सेम ही है. ड्यूडिनल अल्सर्स हो गए, गैस्ट्रिक अल्सर्स हो गए, स्ट्रेस अल्सर्स हो गए, सब में यूज कर रहे हैं. उसके अलावा एसोफेजियल अल्सर्स ड्यू टू रेडिएशन, कीमोथेरेपी और स्क्लेरोथेरेपी. रेडिएशन कीमोथेरेपी की वजह से अल्सर्स हो गया. स्क्लेरोथेरेपी, स्क्लेरोथेरेपी होती है वेरिकोस वेन्स का, पता है? यस मैम. उसमें क्या होता है, पुलिंग ब्लड डायलेटेड हो जाती है ना ब्लड वेसल्स, तो स्क्लेरोथेरेपी की जाती है उनकी कंस्ट्रिक्शन करने के लिए. तो जब ये करते हैं तो अल्सर्स बन सकते हैं. और ट्रीटमेंट में जैसे कीमोथेरेपी में ड्रग्स दी जाती हैं, तो बहुत बड़ा कीमोथेरेपी के ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कि इससे माउथ के अंदर अल्सर्स बन जाते हैं उनके. अक्सर जो होते हैं उनके जो दांत होते हैं वो भी, कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि जी दांत जो उनके ऊपर से एनेमल जो उनकी लेयर है कोटिंग वगैरह वो निकलना शुरू हो गया है. अल्सर्स, डायरिया, ये ओरल अल्सर्स हो जाएंगे या डायरिया हो जाएगा ऐसे पेशेंट्स को जो कीमोथेरेपी पे हैं, या उनको वॉमिटिंग, नोजिया तो होता ही है. उसके लिए वो ड्रग्स दी जाती है जो वॉमिट को रोके, एंटी इमेटिक ड्रग्स. अच्छा, सक्राल फेट, प्रिकॉशंस ऑन द यूज ऑफ सक्राल फेट. दिस एजेंट शुड नॉट बी गिवन टू एनी पर्सन विद नोन एलर्जी. हर ड्रग में वही बात लिखी हुई कि नोन एलर्जी होगी, अगर रेनल फेलियर है या वो डायलिसिस पर है तो उसे नहीं देंगे. क्योंकि इसके इसको हम देंगे या तो एल्यूमिनियम के साथ, और एल्यूमिनियम इसके अंदर एल्यूमिनियम भी होगा कंपोजिशन में. तो ऐसी ड्रग्स जिनमें रेनल, ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस पर है, रेनल फंक्शन उनका प्रॉपर नहीं है, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, तो वहाँ पर एल्यूमिनियम ज़्यादा रह जाएगा, उसको फिल्टर नहीं हो रहा, एल्यूमिनियम बिल्डअप हो जाएगा और इससे फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं. तो हम वहाँ पर बहुत देख कर देते हैं कि कितनी क्वांटिटी देनी है. अभी तक सब समझ आ रही है? Yes, ma'am. यह है ना, आपने साथ के साथ याद करते रहना, क्योंकि ये मुश्किल हो जाता है फिर से इकट्ठा याद करना, मेमोराइज करना बहुत मुश्किल है. साइड इफेक्ट्स इनके ये कॉन्स्टिपेशन जीआईटी में करेगा, ओकेजनली कभी डायरिया भी कर देगा, नोजिया, इनडाइजेशन, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, ड्राई माउथ भी करेगा. पिछले ड्रग में भी ड्राई माउथ था, वर्टिगो, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ये सारे कॉमन है. रैश एंड बैक पेन कर देगा. कोई बात की ड्रग अगर देंगे तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होगी. इफ यूज विद एल्यूमिनियम सॉल्ट्स, हाई रिस्क ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड टॉक्सिसिटी. एल्यूमिनियम के साथ दे रहे हैं, सॉल्ट्स के साथ दे रहे हैं, तभी टॉक्सिसिटी कर देगा. इफ यूज विद फिनोटाइन, क्लोरोफिनोलोन्स एंड पेंसिलामाइन, डिक्रीज लेवल ऑफ दीज ड्रग्स व्हेन टेकन विद सिट्रोल फेट. ये उसकी
एलिमिनेशन में उसको अफेक्ट करता है, बाकी ड्रग्स की इंटरेक्शन, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो जाएगी। आखिरी ड्रग है प्रोस्टाग, मेरे ख्याल में आखिरी ना, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। अब तक हमने हिस्टामिन ब्लॉकर्स पढ़े हैं, उसके बाद हमने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पढ़े हैं, म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट्स पढ़े हैं, उसके अलावा अभी हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स पढ़ेंगे, और एक और ड्रग कौन सी पढ़ी है? एंटासिड्स। एंटासिड्स, वेरी गुड। कोई मुझे अभी तक बता देगा छोटा छोटा करके कि किसका क्या फंक्शन मैकेनिज्म है ड्रग का? मैम हिस्टामिन ब्लॉकर से जाकर ना पैरेटल सेल्स के जो होते रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर्स को। और एंटासिड बेसिकली जो है ना एसिड की एसिड के लेवल कम करते हैं स्टमक के अंदर, न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं उसको, न्यूट्रलाइज कर देंगे उसको, ठीक है। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स उसको जहां जहां डैमेज को। अच्छा प्रोस्टाग्लैंडिन ये ड्रग जो है ना ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली क्या कर रहा था कि ये HCL की प्रोडक्शन को नेगेटिव इफेक्ट है उसको रोकता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो हम ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स यूज कर रहे हैं ताकि HCL की प्रोडक्शन कम हो। दिस एजेंट इज अ सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग दैट इज एम्प्लॉयड टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक। ठीक है, ये भी म्यूकोसा की जो स्टमक का म्यूकोसा उसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, म्यूकोसल लाइनिंग। इनका ऑलमोस्ट सबका सेम ही फंक्शन है और इनके साइड इफेक्ट्स और इनके क्लिनिकल यूजेस तो वही है कि सब गैस्ट्रिक है, गैस्ट्राइटिस, एसोफेजाइटिस, ड्यूडिनल अल्सर्स, ये सारे इनके में यूज होते हैं। अच्छा प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर जो ये ड्रग है मिसोप्रोस्टोल, being a prostaglandin analog it inhibits gastric acid secretion to some degree aur ye mucus production zyada karega stomach ki lining se. clinical uses iske wahi duodenal ulcers jahan par H2 receptor blockers itna acha response nahi karte, itna zyada effective nahi hote, wahan pe ye de dete prostaglandins. uske alawa NSAIDs jo hai NSAIDs ki गैस्ट्रिक एंसिड्स जो है ये अल्सर्स करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन को एंसिड्स जो इनहिबिट करते हैं और वहां पर अल्सर्स कर देते हैं। तो ऐसे अल्सर्स जिनमें एंसिड्स दी गई हैं, जो एंसिड्स की वजह से अल्सर्स कॉज हो गए वहां पर ये हम एनालॉग्स देंगे बाहर से, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। समझ आ गई ये? यस मैम। सेकंड पॉइंट दोबारा बता दें क्या चीज? सेकेंड पॉइंट ये अनरिस्पॉन्सिव वाली, अनरिस्पॉन्सिव टू H2 यानी जहां पर हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स या हिस्टामिन एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं वो, जहां पर वो काम नहीं कर रहे, इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो वहां पर हम फिर उन अल्सर्स के लिए फिर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स दे देते हैं जिसमें ये मिसोप्रोस्टोल है। अच्छा इसका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है ये ड्रग ना उसमें देते हैं जब अबॉर्शन करने हो, सेकेंड ट्राइमेस्टर्स में दे देते हैं ताकि अबॉर्शन हो जाए। तो जब भी ये ड्रग यूज करेंगे इसका एक फायदा तो ये है कि स्टमक की एसिडिटी को जो है उसके लिए यूज हो रहा है उसके ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन जब ये अबॉर्शन करते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि अगर फीमेल में दे रहे हैं तो वो उनके अंदर जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेते हैं जो मैरिड फीमेल्स होती हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है फीमेल का उसमें फौरन ही दूसरे दिन या सेकंड और थर्ड डे यूज कर लेते हैं ताकि प्रेगनेंसी का कोई चांस ना हो उसके अंदर, और अक्सर ये यूज करते हैं क्लिनिकली अगर अबॉर्ट करना हो, ठीक है। ये असल में प्रोस्टाग्लैंडिन जो ये है ना मिसोप्रोस्टोल ये कॉन्ट्रेक्शन करवाता है जो यूट्रस होता है उसकी
तो ये उसमें फिर अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में दे दो तो ये अबॉर्शंस कर देते हैं. द ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज इट इज एन अबॉर्टिव पेशेंट. वुमेन शुड बी एडवाइज टू हैव अ नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट within 2 weeks of beginning therapy and should begin the drug on the second or third day of the next menstruation cycle. Pehle uska test karwa lete hain ki negative test aa gaya to menstruation cycle ka wait karte hain, uske baad dusre ya teesre din foran ye shuru karwa dete hain taki pregnancy na ho, aur wo contraceptive pills deti hai taki pregnancy ke chances na ho. Abhi tak koi cheez jo na samajh aayi ho? No, मैम. हमने पढ़ा था कि जी आई टी में जो है एक तो जी आई एक्सक्रीशन एसिडिटी कर रहा था, हाइपर एसिडिटी हो रही थी, तो उसके लिए 5 ड्रग्स हमने ली है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, सिस्टामिन ब्लॉकर्स, एंटी एसिड्स, ग्लूकोसल प्रोटेक्टेंट्स, और आखिर में जो ये प्रोस्टाग्लैंडिंस एनालॉग्स पढ़ रही हूं. अब लैक्सेटिव्स वो है कि जो कॉन्स्टिपेशन करते हैं, ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि बस यहीं पे बस करते थे, लेकिन आप ना पढ़ लेना अगली दफा जब लेक्चर होगा, फिर आगे से कंटिन्यू करेंगे. ओके मैम. अच्छा, लैक्सेटिव्स जो है ना, लैक्सेटिव्स जो है जनरली यूज करते हैं टू इंक्रीज द पैसेज ऑफ द क्लोनिक कंटेंट्स. स्टूल हार्ड हो चुका है, वो पास नहीं हो रहा, निकल नहीं रहा, तो उसके लिए हम लैक्सेटिव्स यूज करते हैं. 4 टाइप्स के लैक्सेटिव्स होते हैं, डाइट्री फाइबर्स, बल्क फॉर्मर भी कहते हैं, मैकेनिकल स्टिमुलेंट्स, लुब्रिकेंट्स, इमोलियंट्स, ऑस्मोटिक. इन सब का बेसिक फंक्शन ये होता है कि स्टूल आपकी जो पेरास्टाल्सिस मूवमेंट्स है उनको ज्यादा किया जाए, मोटाइल किया जाए. जब हम फूड ले लेते हैं वो बोलस के थ्रू जो है जाती है डाइजेस्टिव ट्रैक में, फिर वो आपकी ये पेरास्टाल्सिस ये मूवमेंट्स होती हैं जिनके थ्रू वो आगे जा रही होती है. तो जो लैक्सेटिव्स होते हैं ये क्या करते हैं कि या तो स्टमक को जो स्टूल है आपका उसको मॉइस्टन कर देंगे, वहां पर वाटर को वाटर एब्जॉर्ब होना नहीं देंगे बल्कि वहां पर उसको मॉइस्ट कर देंगे, मॉइस्ट चीज जो है वो या लुब्रिकेट कर देंगे ताकि वो जल्दी निकल जाए. और दूसरा ये करेंगे या फिर वो हम जैसे फ्रूट्स वगैरह, फाइबर्स, वेजिटेबल्स जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है उनको कहते हैं ना फाइबर्स वगैरह लें. तो ये क्या होता है कि जैसे आपने एक लकड़ी के अंदर पानी भर दिया तो लकड़ी फूल जाती है, इसी तरह जो आपका स्टूल होगा उसको ये हेल्प करेगा फाइबर्स वगैरह उसको जो है बॉडी में से निकलने के लिए. अच्छा, ये सारे तब लैक्सेटिव्स हम देते हैं शॉर्ट टर्म रिलीफ ऑफ कॉन्स्टिपेशन, प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेनिंग इन कंडीशंस. अगर एक पेशेंट है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या प्रेगनेंसी के बाद वो पोस्ट पार्टम पीरियड होता है कि जिसमें हार्मोन्स वगैरह फॉरन डिलीवरी के बाद बेबी के नॉर्मल आ रहे हैं मदर के हार्मोन्स, या पोस्ट ऑप कोई भी सर्जरी हुई है, तो क्या होता है कि जो बाउल मूवमेंट्स होती हैं वो प्रॉपरली नहीं होती, उनको मोटाइल रखने के लिए. अब अगर जैसे हार्ट का कोई पेशेंट है, जाहिर है कॉन्स्टिपेशन है, वो जोर लगाएगा, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेनिंग के लिए लैक्सेटिव्स देते हैं. प्रिपरेशंस फॉर डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन, ये लैक्सेटिव्स तब भी दिए जाते हैं जब डायग्नोज करने के लिए कि कहाँ पर जो है वो कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रही है. अच्छा, रिमूवल ऑफ द पॉइजन और टॉक्सिन्स, कोई ऐसा टॉक्सिन ले लिया उसके लिए भी लैक्सेटिव्स देंगे ताकि वो जल्दी रिमूव हो जाए. एडजंक्ट इन एंटी हेलमेंथिक थेरेपी, ये सपोर्ट लैक्सेटिव्स जो है ये हेल्प करते हैं हेलमेंथिक थेरेपी यानी कि रॉन्ग वॉर्म्स वगैरह उनको रिमूव करने में भी ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है. तो ये सारी इसकी क्लिनिकल यूजेज हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पोस्टपार्टम, पोस्ट ऑप कोई भी सर्जरी है तो आपकी जो इंटेस्टाइन्स वगैरह होती है उनमें मूवमेंट नहीं हो रही होती, तो कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है पेशेंट को पोस्ट ऑप, तो फिर हम ये लैक्सेटिव्स देते हैं. समझ आ रही है आप लोगों को?
जी मैम मैम ये हेलमिंथिक थेरेपी क्या होती है? इंफेक्शन जो वो करता है, ये सपोर्ट करता है कि वो निकले बॉडी में से. अच्छा, ये डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हमने कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है. इसमें अपेंडिसाइटिस, डाइवर्टिकुलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस. अपेंडिक्स के अंदर अगर अपेंडिसाइटिस इन्फ्लेमेशन हुई है और हम फिर लेक्सेटिव दे देंगे, तो लेक्सेटिव क्या करता है, पेरास्टाइलिसिस करता है, मूवमेंट जल्दी कहता है निकले फूड वगैरह. वो जो पेरास्टाइलिटिक मूवमेंट्स है उसको मोर्टेलिटी को इंक्रीज करता है. तो फिर अपेंडिक्स, तो पहले इसमें इन्फ्लेमेशन हुई है तो वहाँ परफोरेशन हो जाएगी अपेंडिक्स की. इसी तरह डाइवर्टिकुलाइटिस है, डाइवर्टिकुलाइटिस पाउचेस बन चुके हैं उसमें इंटेस्टाइन में, तो वहां पर भी इन्फेक्शन कर देगा अगर लेक्सेटिव देंगे. तो ये तीन जगह है जहाँ अपेंडिसाइटिस, डाइवर्टिकुलाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस, इनमें नहीं देनी हमने, कॉन्ट्रा इंडिकेटिव है. साइड इफेक्ट्स के आपने बहुत ज्यादा दे दिए, वो डायरिया कर रहा है, एब्डोमिनल रैपिंग, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट्स जो थी आपकी, ऐसे ऐसे जो मूवमेंट्स जा रही थी नीचे वो इतनी ज्यादा होगी कि वो एब्डोमिनल क्रैम्पिंग कर दिया, नोजिया हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो सकता है, इससे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी निकल जाएंगे. सिंपथेटिक रिएक्शन, स्वेटिंग, पल्पिटेशन, फ्लशिंग, फेंटिंग, कैथार्टिक डिपेंडेंस. अच्छा, जो लोग लेक्सेटिव्स लेते हैं ना कि मैं कॉन्स्टिपेशन है, तो वो ज्यादातर कैस्टर ऑयल डाल के दूध में पी लिया, पानी में पी लिया, तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं उसके. कैथार्टिक भी क्लियरेंस वो कहते हैं, कैथार्टिक डिपेंडेंस के वो उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं. ठीक है, लेक्सेटिव्स जो है ना वो लोग हम तब यूज करते हैं जब माइल्ड हो, और कैथार्टिक जब वो सारे जो कॉन्टेंट्स है सभी रिमूव करते हैं जो ड्रग आप ले रहे हैं, तो कैथार्टिक डिपेंडेंस हो जाती है, वो उसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं. ये इसका साइड इफेक्ट है. ये चार टाइप्स हैं जो पढ़ी है इसकी, डाइटरी फाइबर्स, बल्क फॉर्म. जब आप, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप एक लकड़ी ले लें उसमें पानी डालें तो फूल जाती है, इसी तरह बल्क फॉर्मर्स जो होते हैं ना, फाइबर्स, फ्रूट फाइबर्स, हम फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, तो ये क्या करते हैं, पानी को, वाटर को रिटेन करते हैं, तो बल्क के अंदर बन जाता है वो स्टूल. फिर उसको, वो स्टूल जो है बल्क के अंदर जो है वो आसानी से मूव आउट हो जाता है. इंक्रीज द स्टूल बर्क काजिंग पेरास्टाल्सिस. जब वो बड़ा बन गया, बल्क की फॉर्म में बन गया, तो वो उसकी पेरास्टाल्सिस हो जाती है. और जितना ज्यादा आप बल्क फॉर्मिंग कंटेंट फाइबर्स वगैरह देंगे, उतने ही वहां पर बैक्टीरिया भी बढ़ जाएंगे. ऑस्मोटिक लेक्सेटिव्स होते हैं, वाटर रिटेन करेंगे, मॉइस्टन करेंगे उसको. जो आपका बना स्टूल होगा वो हार्ड है, वो निकल रहा, तो उसको मॉइस्टन और सॉफ्ट कर देंगे. कॉजिंग ड्यूडिनल सेक्रीशंस ऑफ कोलेसिस्टोकाइनिन, इस हार्मोन को रिलीज करवाएंगे इंटेस्टाइन में से. इंक्रीज फ्लूइड सेक्रीशंस एंड मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी को इंक्रीज करें. जितने भी मैकेनिजम्स हैं लेक्सेटिव्स के, वो बेसिकली मोर्टेलिटी को इंक्रीज करें, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट्स को इंक्रीज कर रहे हैं. ये ऊपर सारी एग्जाम्पल दी हुई है, सैक्राइड्स हैं, लैक्टुलोज, सॉर्बिटोल, सेलाइंस हैं, और जो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिट्रेट, सल्फेट. अच्छा, एनीमा क्या होता है कि एक नोजल की तरह की डिवाइस होती है जो कि रेक्टम के थ्रू बॉडी में एंटर करते हैं और वहां पर लिक्विड देते हैं ताकि वो मॉइस्टर्न हो जाए आपका जो जो स्टूल है. उसके अलावा ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन जो है सुपोजिटरी, यानी ये बॉडी के अंदर जो है ये भी एंटर करेंगे ताकि आपके जो है मॉइस्टर्न रहे जो आपका स्टूल है. ये फ्रूट सिक्रीशंस करवाएंगी, वहां पर मोर्टेलिटी ज्यादा करेंगी. ये स्टूल सॉफ्टनर्स हैं. अच्छा, इसमें डॉक्सोसेट है, सर्फेक्टेंट विच फैसिलिटेट मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड ऑयली मटेरियल, ताकि वो आसानी से मूव आउट हो जाए. यूज टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन. ये सारे वो पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कोई भी सर्जरी हो, रेक्टल सर्जरी, कोई भी सर्जरी, उसके बाद दिया जाता है ताकि जो ये मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाए. अच्छा, ये सारे वो नाम है जो कि लेक्सेटिव्स हैं जो यूज होते हैं.
कुछ जैसे कैस्टर ऑयल हो गया, रेसिनोलिक एसिड, कैस्केरा सेग्रेडा, ये प्लांट्स वगैरह से मिलते हैं। इन सब की साइड इफेक्ट्स जितने भी लग्जेटिव्स हैं उनकी यही है कि इससे जो है डिपेंडेंसी हो जाती है। ये जो है आपके लुब्रिकेंट लग्जेटिव्स जो है ये मिनरल ऑयल से उनके एक्सट्रैक्शन से बनते हैं, मिनरल ऑयल से आते हैं और इंटरफेयर करते हैं वाटर और फैट एब्जॉर्प्शन को। जो फैट एब्जॉर्ब हो रहा था अब ये उसके साथ इंटरफेयर करेंगे वहां पर लुब्रिकेट करने के लिए स्टूल को, उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देते, लुब्रिकेट करते हैं कि जल्दी आपका जो जो स्टूल है पास आउट हो जाए। अभी तक कुछ क्वेश्चन? नो मैम। अच्छा ये चीजें बहुत ज्यादा याद करने वाली है इसलिए मैं एक्सरसाइज करियो के साथ के साथ जरूर पढ़ लें। जी मैम। ठीक है मैम। अभी आप लोगों ने पढ़ना है तो अभी इसको आप जो पढ़ लें स्लाइड्स को, क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जमा होता रहता है। मैम आज आप लेक्चर सेंड कर दीजिएगा ना? आज ही सेंड करते हैं। ठीक है अबे यहीं तक काफी है क्योंकि मैंने अच्छा yes, आप मैम फॉलो की थी फार्मा मैम स्लाइड से ही पढ़ते हैं, स्लाइड से ही पेपर आता है और वाइवा होता है हमारा। अच्छा आप लोगों का कौन सा सेमेस्टर है ये? सिक्स। सिक्स। और एट सेमेस्टर्स होते हैं टोटल? नो मैम। टेन होते हैं मैम। टेन। टेन। फाइव इयर्स की है। मैम टेन सेमेस्टर। अभी मैंने इसलिए हालांकि टाइम भी शॉर्ट है रमजान की वजह से, दूसरा ये कि स्लाइड्स ज्यादा है तो इनको पढ़ लीजिएगा साथ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पहले शुरू करने से पहले थोड़ा सा पूछ लूंगी मैं कि ताकि ये ज्यादातर इसमें वही चीजें जैसे जो अगर साइड इफेक्ट्स हैं या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं तो फार्मा में बहुत याद करनी पड़ती हैं, याद रखनी पड़ती है उनके मैकेनिज्म्स ड्रग्स के, थोड़ी थोड़ी ड्रग्स थोड़ी थोड़ी याद नाम के कुछ ड्रग्स के जो इम्पोर्टेंट है। मैम अब लेक्चर कैसे रिसीव होगा हमें? क्या चीज? मैं ग्रुप में भेज दूंगी। नहीं मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना ना अनूर को भेज दूंगी मैम और फिर ईमेल कर दूंगी, फिर आप जो है वो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैं किसी ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, मुझे भी काइंडली ऐड करवा दो अगर है तो ग्रुप। तो कौन ऐड नहीं है? यस मैम सारे ऐड है ग्रुप में। आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है? यस मैम सारे स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट सब भी ऐड है। अगर कोई नहीं ऐड तो मेक श्योर कर लें कि सब भी ऐड हों ताकि सबके पास जाए स्लाइड्स। अब मैं आज ही कर दूंगी तो अफ्तारी के बाद कर दूंगी, तो फिर आप ना आज ही शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। ओके मैम। ठीक है क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने डी को करा है कि नहीं। डी आपका डी है ना? यस मैम। चलो ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज़ मैम।